Hey guys, what's up? Good evening to all of you. Hope you all are doing well. Myself Sivasankar Sahu, your physics mentor. And here I welcome you to Sai Study Classes YouTube channel. So before coming to the session, I would request each and every one of you to like and share our YouTube channel. And if you are new to the session, then don't forget to press the bell icon so that you will get further notification about our videos. तो प्रीवियसली आम कौन पढ़ी ना प्रीवियसली आम पढ़ी वर्क विषय पढ़ी टी वर्क प्रेशर सहित एनर्जी एमती रिलेटेड होता विषय आम पढ़ी तो आज टी आगे डिटेल्स से गुड़ाक पढ़वा सहित प्रोब्लेम सहित कौन कौ कौ प्रोब्लेम एप्रोचटा केमती रहा भी मुझक जनईदेवि ठीक अच्छे पे तो चलो विदाउट एनी डिले सेशन स्टार्ट करदे तो आम कौन कौन पढ़ी आम एजेंडा कौन ना आम एजेंडा आज रही आम आज पढ़ा वर्क एनर्जी थ्योरम बुझेगा तो पूर्व मु फास्ट प्रथम रिभाइज कर दूँ माने आम प्रीवियसली कौन पढ़ी फास्ट आम पढ़ी वर्क कथा पढ़ी ठीक ना नहीं वर्क इज नथिंग बट ए वर्क इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डिड यू गेट माय पॉइंट सो वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जितेबाला डायरेक्शन सेम होता से एफ डी हो रही बिकज एटा कोस एटा को जब भांगा तो कौन होता एफ डी कोस थीटा होता है जिते बड़े कोस थीटा डायरेक्शन सेम थी जीरो डिग्री होगा के एफ डी होगेटिव के आम पढ़ी ना जिते बड़े डिस्प्लेसमेंट एपटे रोचे कि फोर्सटा एपटे लगुच से केस कौन हम से केस वर्कटा तुम नेगेटिव हो बुझेगा जो मैंने ये जिनस गुड़ा क्लीयर है मुझक रेकमेंड करी से प्रीवियस वीडियो देखते ठीक अच्छे तेल गोटे ओवरऑल आईडिया आसो जो कौन पढ़ा चलती सहित कौन पढ़ा हो तो आउ मुझे यहाँ वर्क विषय कही काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कथ भी कही काइनेटिक एनर्जी क्या कह जाए द एनर्जी प्रोड्यूस बाय ए बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी बुझेगा काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला कौन थी काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला थी हाफ एम वी स्क्वायर जमी पोटेंशियल एनर्जी है द एनर्जी प्रोड्यूस बाय ए बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स पोजिशन तेल पोजिशन द्वारा जो एनर्जीटा से क्रिएट हो एनर्जीटा अच्छी आम कौन कह आम कह पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला कौन ना एम जी एच तो ये एम जी एचटा देखुचो ना यहाँ को अदरवाइज ग्राविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कह जाए बुझे ये जी महत्व अच्छे जितेबाला गोटे जिनसा ऑब्जेक्ट को पकाउन आम पर डिस्कस करवा बुझेगा आम पढ़ी टोटाल जो एनर्जी रोचे गोटे बॉडी रे ताले सेटा आम कमी डिटरमाइन करते आम काइनेटिक एनर्जी मिसई दे सहित पोटेंशियल एनर्जी मिसई दे एतक जिनस पढ़ी किसी प्रोब्लेम भी बोधे करते तो आज आम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा तो वर्क एनर्जी ता पूर्व आउ गोटे कथा जान आम कौन पढ़ी आम काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला पढ़ी हाफ एम वी स्क्वायर ठीक ना नहीं यहाँ हाफ एम वी स्क्वायर तो यहाँ केतभव ना जितेबाला सपोज मु दुईटा वस्तुर काइनेटिक एनर्जी को मेजरमेंट करी कंपेयर करी से भितर तेल से स्पीडटा सेम थी बुझे मास अलग अलग रही थोड़ा स्पीड कितना सेम थी तेल आउ गोटे या भी आम डिडक्ट करें गोटे भल फर्मूला भी डिडक्ट कर देख सपोज मु तले उपरे एम जो माने एम इंटू करदे है कौन हो एम स्क्वायर बाय वी स्क्वायर हो एम हो ठीक ना ना आम जानू मोमेंटम कौन जानूँ मोमेंटम फर्मूला कौन जानूँ पी इज इक्वल टू एम भी आम जानूँ ठीक अच्छे एटी तेल देख एम अच्छी भी रही है पी रहा स्क्वायर होते हाफ एटा के ना पी स्क्वायर बाय एम हो बुझी हो तो ये देख कौन हम तो काइनेटिक एनर्जी फर्मूला ना पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एम एटा भी फर्मूला जितेबाला तुमको मोमेंटम टर्म्स देखे तुम यू काइनेटिक एनर्जी को डिडक्ट कर पार ठीक अच्छे पे तो गोटे जिनस नोटिस कर देख ये आम कौन देखे फास्ट तेल आम कही जे फॉर्मूला में कितना जान ले काइनेटिक एनर्जी रो गोटे है तुमर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर आउ गोटे कौन जान ले ना काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय टू एम तो ये गोटे जिनसा लक्ष्य करो एटी एनर्जीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम होनर्जीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम हो ताले कोटा ठीक एमती तो संभव ही पार्बन ना ताले कौ जिनसा ठीक ताप एक्चुअली डेप्थ गोटे अच्छे तो सहीटा जो कह जी
ताले एठी देखो एठी कौन पाई एठी आमे कौन नौ एठी जमी कही एठी स्पीड टाक सपोज आम दुईटा बॉडी रो काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करने जा ताले सेठी स्पीडटा जदि सेम नबा ताले कौन हम काइनेटिक एनर्जी सब बेले तुम माने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम हम आउ जेते बेले तांको मोमेंटम को सेम नबा सेकंड फॉर्मूला रे कौन सेम नबा दुईटा बॉडी रो सपोज आमे काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करिया पय जाउचू ठीक अछि ताले आमे कौन करिबा ताले आमे मोमेंटम को कांस्टेंट नबा ताले मोमेंटम जदि सेम नबा सॉरी मोमेंटम सेम नबा ताले कौन हि जीवो एम टा हला इनवर्सली प्रोपोर्शनल हि जीवो बुझैला एटा मने रखथो प्राय तो ये है काइनेटिक एनर्जी बेसिक जिनसटा तब वर्क एनर्जी थ्योरम जोटा कि वर्क एनर्जी थ्योरम विषय जानवा वर्क एनर्जी थ्योरम तले वर्क एनर्जी थ्योरम हम को कौन कहे ना टोटल जो एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी जो गोटे बॉडी रो रोचे से सहित सामान हो ना जितक सब से बॉडी उपरे फोर्स काम कर बॉडी रो जितक फोर्स काम कर फोर्स मानका द्वारा केते वर्क डन हो बुझे जितकी वर्क डन होटा ही तार काइनेटिक एनर्जी बुझेगा तार टोटल काइनेटिक एनर्जी तले टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू दि वर्क क्रिएटेड बाय ऑल द फोर्स ऑफ दैट बॉडी बुझे यहाँ तेल कौन हम यहाँ है तुम वर्क एनर्जी थ्योरम हम ताले एटा जदि आम डिडक्ट करने जा देख आम नॉर्मली कौन जानचे आम नॉर्मली तुम जाचे देख सपोज बॉडी एटा गोटे ने ठीक अच्छे ये गोटे बॉडी आम ने गोटे सरफेस अच्छी या को किसी फोर्स दे हला जोटा कि भि वेलोसिटी रे सपोज गति कर फास्ट तार इनिशियल वेलोसिटी सपोज यू अच्छे इनिशियल वेलोसिटी यू अच्छे किसी डेरी जा सारापर एस डिस्टेंस जा सारापर तार फाइनाल वेलोसिटी को पहुँचला ठीक ठीक ना ताले गोटे बॉडी जितेबाला रेस्ट रु जाऊँच किसी ताल एक्सेलरेशन को गेन करें पॉजिटिव एक्सेलरेशन रोचर जितेबाला सी जैक रेस्ट पोजिशन में पहुँचुच कौन हो रिटार्डेशन हो डीएक्सेलरेशन होमें ठीक अच्छे ताले जो जिनसटा मुझे मेन जो जिनसटा नोटिस कला भाया जिनस ये जो चेंज काइनेटिक एनर्जी के चेंज हम काइनेटिक एनर्जी तो ये आम जब डिडक्शन कर ये देख एक्सेलरेशनटा कौन हम एक्सेलरेशन आस्ते आस्ते बढ़ी बढ़ी जीव तर आस्ते आस्ते नेगेटिव हो ग्राफ्टा जब आम बनवा यही टाइप रही बुझेगा ये ग्राफ्टा हम ताले जो क्रिएट हो एक्सेलरेशनटा आस्ते आस्ते यहाँ कौन गोटे नन यूनिफर्म एक्सेलरेशन है नन यूनिफर्म एक्सेलरेशन आम गोटे फर्मुला पढ़ी जो तीन टा इक्वेशन पढ़ी से भितर एटा है गोटे ना भि स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस ठीक ना नहीं पहले भि स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस आम पढ़ी एटा मैंने फाइनाल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू के टू ए एस एटा है कौन एक्सेलरेशन एंड एस इज इक्वल टू योर डिस्प्लेसमेंट सो ये आम गोटे काम करवा देख ये कौन करवा सपोज आम ये एम को इंटू करदे हाफ एम को इंटू करदे ठीक अच्छे हाफ एम दुईपटे इंटू करदे तो कौन हो टर्मटा कौन हो ना एटा हो हाफ एम भि स्क्वायर एटा कौन हो माइनस हाफ एम यू स्क्वायर होपर एटा कौन हो इक्वल टू एटा के ना हाफ एम जॉइंट कर वन बाय टू एम इंटू टू ए एस ताल ये टू टू कटिगला आठ के रहा ना आठ रहा तुम एम ए एस बुझे तो आमे जो जिनसटा जाचे फोर्स इक्वल टू ये रोदी सपोज बॉडी रो मास रहा एम एक्सेलरेशन ए रे गति करें फोर्सटा ठीक के फोर्स इक्वल टू एम ए हम तेल एटा को आम एम ए लिखिपर जो आम टर्मटा एटा कहे एटा को एम ए तो एम ए जगह कौन लिखिपारि ना फोर्स लिखिपारि तेटा कौन हो एफ एस हो ठीक अच्छे पहले ताले एटा देखो एटा है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एटा है सॉरी एटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी एटा है जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को बुझाऊँ ताले चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एटा के फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के फोर्स इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है वर्क ताले वर्क डन नेट वर्क डनटा होती ताले एठी देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आम कौन बाहला ना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल नेट वर्क डन ताले चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कौन ही जाऊँगी टोटल नेट वर्क डन के रोचा सहित सामान सो दिस इज ऑल अबाउट योर वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बुझे हूँ बोले तो एतक जिनस आम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहींपर थ्योरम कहींपर तो या को लेकर जो यार मेन जो इम्प्लीमेंटेशन रोचे कौटी ना प्रोब्लेम जो करवा आम ठीक अच्छे प्रोब्लेम बेसिकाली गुड़ा कनसेप्ट अलग अच्छे से गुड़ा प्राक्ट कले गोटे दुईटा ताल हो तो अभी आम प्रोब्लेम सेक्शन को प्रोब्लेम सेक्शन को जी तेल ये देख तुम फास्ट प्रॉब्लम अच्छी
प्रॉब्लम रे कौन कौन देखिए देखो ना आमको गोटे फास्ट मास देला मास देची मास कोई एम इज इक्वल टू पांच पांच के जी तले ये मास उपरे आमे ये मास जोटा अछि आ उपरे आमे गोटे फोर्स जो फोर्स गोटे देले फोर्सटा केते ना 100 न्यूटन 100 न्यूटन गोटे फोर्स देले जहाँफल सीए 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट कला आउ तार जो एटा हला तुमर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन केते अछि 0.2 बुझेला कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हला 0.2 अछि ताले टोटालिटी काइनेटिक एनर्जीटा केते ताले मु कोन कहितले काइनेटिक एनर्जी आमे जेउटा बाहर करवा काइनेटिक एनर्जीटा तार माने कोन काइनेटिक एनर्जीर माने हला आमे जदि वर्क बाहर कर दवा ताले काइनेटिक एनर्जी पाइ जबा टोटल वर्क ताले केमति बाहरिबो टोटल वर्क हला टोटल एठी जो काम करुच्ची फोर्स एठी ताले किए किए फोर्स काम करुच्ची ताले आमे गोटे एप्लाइड फोर्स एपटे गोटे काम करुच्ची जेहेतु एटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गोटे देछि फ्रिक्शनटा गोटे एमती काम करथबो ठीक ना नै पले फ्रिक्शनटा एपटे नियाति काम करथबो ताले एटा देखो ताले केमती होबो ताले यार आमे प्रथमे फ्री बॉडी डायग्राम तयारी करबा बुझि होछि टोटल एक्सटर्नल फोर्स केमती काम करछि जो माने जानिनो फ्री बॉडी डायग्राम केमती बना जाय से माने प्रीवियस वीडियो नियाति देखिबो नहले बुझि परिबो नै ताले देखो फ्री बॉडी डायग्राम आमे ताले सेई ब्लॉक टा उठे नबा ब्लॉक रो चित्र उठे नबा इयाला सेई सपोज इटाला ब्लॉक ताले ब्लॉक रे को काम फोर्स काम करछि ब्लॉक रे गोटे हला अप्लाइड फोर्स काम करछि गोटे फ्रिक्शन फोर्स काम करछि ताले एठी जदि में फ्री बॉडी डायग्राम बनेया पई ट्राई करो तळ अड को गोटे फोर्स काम करथबो सेटा हला एमजी ऊपर अड को गोटे फोर्स नॉर्मल फोर्स काम करथबो का सरफेस को नेकी नॉर्मल फोर्स गोटे काम करथबो जोटा कि सेम हबो का एमजी इज इक्वल टू ऑलवेज तुमर एन सहित नॉर्मल रिएक्शन सहित समान हबो ताले एमटा केते दैछि एमटा हला 5 केजी दैछि ताले एटा केते जो 5g हि गला एमजी इज इक्वल टू 5g हि गला बुझैला एमजी माने 5g ताले एटा ताले एन इज इक्वल टू केते एमजी हे बैलेंस हि रहउछि ना तो एन इज इक्वल टू केते हि जबो एन इज इक्वल टू तुमर 5g हि जबो कोन पई ए एनटा मोर कोन पई दरकार होछि बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स एपटे गोटे काम करछि ना ओपोजिंग फोर्सटा ताले फ्रिक्शनल फोर्स एफ एफ जोटा कि एफ फ्रिक्शनल फोर्स रा फार्मूला कोन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन बुझैला कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन केते दैछि ना तुमर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हला एटा हला 0.2 इनटू एटा नॉर्मल रिएक्शन केते बाला 5 जीटा जदि 10 नबा 10 नेले कोन हिजबो एटा ये 10 कटि गला 5 दुने 10 ताले 10 न्यूटन हला फ्रिक्शनल फोर्स काम कला फ्रिक्शनल फोर्स काम कला 10 न्यूटन तापले अप्लाइड फोर्स एटा केते 100 न्यूटन ताले टोटल नेट फोर्स आमे केते लिख परो ना टोटल नेट फोर्स तुमर हे गला 110 न्यूटन ठीक ना नै पले टोटल ताले नेट फोर्स कोन हे गला एटा बुझि सालो एटा ताले लिबे दउछि टोटल ताले एफ नेट आमे जदि देखिया पई जेबा एफ नेट केते हे गला ना एफ नेट हला तुमर 110 न्यूटन हला एफ नेट हो गला ताले वर्क डन आमे बाहर ताले वर्क डन नेट वर्क डन केते हेबो ना नेट वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस हबो ताले एठी देखिबा आमे टोटल आमे जो फोर्सटा काम करुची माने जो मेन फोर्सटा काम कर सॉरी सॉरी एटा 10टा माइनस हिजबो ना टोटल फोर्स एटा नेगेटिव हिजबो ना कोन पई नेगेटिव हो एपटे जो पटे डायरेक्शन जो डायरेक्शन बॉडीटा गति करछ एटा पॉजिटिव एपटेटा नेगेटिव ताले एटा लबे हिजबो एटा केते जो लबे न्यूटन ताले एफएस फोर्सटा एपट को लबे न्यूटन लागुची लबे न्यूटन लागुची ता सहित जो एपटे गति करछ ना फोर्स डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट रो डायरेक्शन सहित समान रहउची ताले एटा केते हिजबो ना एफएस कॉस 0 डिग्री हिजबो एफ एस कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0 डिग्री वैल्यू होला 1 ताले एटा केते होला एटा होला लबे इनटू हिजबो एटा 5 बुझेला ताले 450 टोटल जूल एतकी जूल तुमार वर्क नेटवर्क नेटवर्क टा का सहित समान काइनेटिक एनर्जी सहित समान जोटा कि समान हिजबो काइनेटिक एनर्जी सहित ताले तुमार काइनेटिक एनर्जी केते ना काइनेटिक एनर्जी हिजबो 440 जूल बुझेला इवन इट आउट ताले पुणी प्रीवियस पुणी पछो करके वीडियो देखिबो जदि ताले भी न बुझि पालो ताले कोन करबो ताले कमेंट सेक्शन में जानिबो ठीक अछि पिले तो एबे आमे नेक्स्ट प्रॉब्लम को जीवा एटा देखो या पूर्व तुमे जानि जो एटा टिके एमजीएच सहित रिलेटेड है पोटेंशियल एनर्जी सहित रिलेटेड देखो ताले एठी कोन कोआउ छी एठी कहू छी एठी सपोज गुटे बॉडी एटा निया हला ठीक अछि ये गुटे बॉडी निया हि छी एठी तो बॉडी को गोटे गोटे हाइट को फिंगा हाला एज इज इक्वल टू 8m हाला बॉडी रो मास हाला केते ना 20 केजी ताले पोटेंशियल एनर्जी केते पोटेंशियल एनर्जी रो फार्मूला केते हो एमजीएच से हम जानि छे मास टा केते मास टा हाला 20 जी टा केते जी टा हाला सपोज 10 दरबा इनटू 8 टा केते सॉरी एज टा केते 8 तरे टा केते हि गला 8 16
ତାହେଲେ ଷୋଳଶହ ଏତିକି ଜୁଲ୍ ତାହେଲେ ତୁମର କ'ଣ ନା ଯେଉଁଟାକି ପଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଏନର୍ଜି ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ତୁମର ୱାର୍କ ଟନ୍ ସହିତ ବି ତୁମର ସମାନ ହେବ ସେଥିରେ ବୁଝିଲା ବୋଲି ପଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଏନର୍ଜି ଏତିକି ହେଲା। ତାପରେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଆସିବା, ଏଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା, ଏଇଟା ଦେଖୁଥାଉ ଏଠି ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁଛି ଏଠି ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାରେ ନା ଏଠି ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି ଏଠି ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ି ନିଆହେଲା ଯାହାର ମାସ୍ ହେଲା ଏମ୍ ବୁଝିହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ମାନେ ଇନକ୍ଲାଇଣ୍ଟ ପ୍ଲେନ୍ରେ ଇନକ୍ଲାଇଣ୍ଟ ପ୍ଲେନ୍ରେ ତାକୁ ଫୋର୍ସ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ କରାହେଲା ଏପଟେ 100 ନ୍ୟୁଟନ୍ର। ତାହେଲେ କଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଯେଉଁଟାକି ଦେଲା କଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ଦେଲା 0.2। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ୱାର୍କ ଡନ୍ କେତେ ହେଲା, ଟୋଟାଲ୍ ପଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଏନର୍ଜି କେତେ ହେଲା, ଟୋଟାଲ୍ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି କେତେ ହେଲା, ଏଠି ଆମକୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମକୁ କ'ଣ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ଷ୍ଟଟା ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର, ୱାର୍କଟା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କାଢ଼ିବା ହେଲା। ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ ଯଦି କହିବା ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି, ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ ଯଦି କହିବା ପାଇଁ ଯିବା ତୁମର ଡବ୍ଲୁ ଇଜ୍ କଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ ନା କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ପ୍ଲସ୍ ପଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଏନର୍ଜି, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ, କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ପ୍ଲସ୍ ପଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଏନର୍ଜି ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଯେତିକି ତୁମର କ'ଣ ତିଆରି ହେବ, ଆଉ ଯେତିକି ତୁମର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଫୋର୍ସ ଯେତିକି, ଖାଲି କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ପ୍ଲସ୍ ପଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଏନର୍ଜି ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ କିଛି ୱାର୍କ ଯେଉଁଟାକି ତିଆରି ହେବ, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ୱାର୍କ ହେଲା, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଏନର୍ଜି କିଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଠି ୟାର ଫ୍ରି ବଡ଼ି ଡାଇଗ୍ରାମ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ତିଆରି କରିବା, ଫ୍ରି ବଡ଼ି ଡାଇଗ୍ରାମ ତିଆରି କଲେ ଦେଖ କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଲା ଏମ୍ ମାସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା କେତେ, 30 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟା ହେଲା 30 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଏମ୍ଜିଟା ୱେଜିଂ ଫୋର୍ସଟା ତଳ ଆଡ଼କୁ ପୁରା ଆସିବ, ତଳ ଆଡ଼କୁ ଆସିବ, ତ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲେ ଏଇଟା ଦୁଇଟା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଗୋଟେ ହେଲା ଏ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଏ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ଏମ୍ ଜି ବୁଝିହେଲା, ଏମ୍ ଜି ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଥିଟା ହୋଇକରି ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହୋଇଯିବ, ଏଇ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ହୋଇଯିବ, ଏଇ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟଟା ହୋଇଯିବ ତୁମର ଏମ୍ ଜି କୋସ୍ ଥିଟା, ଏଇ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟଟା ଏପଟେ ତ ଫୋର୍ସ ଦିଆହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟଟା ବା ଯେଉଁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟଟା କହିପାରିବ ଏଇ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟଟା କେତେ ହୋଇଯିବ ନା ଏମ୍ ଜି ସାଇନ୍ ଥିଟା ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଫୋର୍ସ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟଟା ତାହେଲେ କିଏ ନା ଏମ୍ ଜି ସାଇନ୍ ଥିଟା, ତାପରେ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା କ'ଣ ହେବ, ନର୍ମାଲ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ହେଲେ ଏନ୍ ହେବ ଯେଉଁଟା ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଟୁ ଦି ସର୍ଫେସ୍, ତାହେଲେ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଟୁ ଦି ସର୍ଫେସ୍ ତାହେଲେ ଏମ୍ ଜି କୋସ୍ ଥିଟା ଆଉ ଏନ୍ ଏମାନେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ବୁଝୁଛି, ଏମାନେ କ'ଣ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ନା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ତୁମର। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ଫ୍ରି ବଡ଼ି ଡାଇଗ୍ରାମ ତାହେଲେ ତିଆରି କରିସାରିଲେ, ଏପଟେ ତାହେଲେ ବଡ଼ିଟି ଯାଉଛେ, ଏବେ ଆମେ ନେଟୱାର୍କ ଡନ୍ଟା ବାହାର କରିବା। ତାହେଲେ ନେଟୱାର୍କ ଡନ୍ଟା ଦେଖ କେମିତି ବାହାରିବ, ନେଟୱାର୍କ ଡନ୍ କେତେ, ଟୋଟାଲ୍ ଯେତିକି ଫୋର୍ସ ଲାଗିଲା ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ଫୋର୍ସ ଲାଗିଛି, ଟୋଟାଲ୍ ତାହେଲେ ତୁମର ୱାର୍କ ଡନ୍ ହେଉଛି ହେଲା ଏଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଡି, ଏଫ୍ ଡଟ୍ ଡି। ତାହେଲେ ଏଫ୍ ଡଟ୍ ଡିରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ଏଫ୍ଟା ଡଟ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ରହୁଛି ଏପଟେ ଗତି କରୁଛି ନା ଉପର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି, ଏଇଠି ଦେଖ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି, ତାହେଲେ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଯେଉଁପଟେ ହେଉଛି ତୁମର ଏଇଟା ବି ସେଇପଟେ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଯେଉଁପଟେ ରହୁଛି ଫୋର୍ସଟା ବି ସେଇପଟେ ତୁମର ୱାର୍କ କରୁଛି ବୁଝିହେଲା। ଏଠି ଗୋଟେ ମିସିଂ ଜିନିଷ ଦେଇଛି, ଏଠି ଏଇଟା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ହେଲା 20 ମିଟର ହେଲା, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ହେଲା 20 ମିଟର, ଏଇଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, ଏଫ୍ ଡି ଯେହେତୁ ସେମ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ରହିବ ଏଇଟା ଏଫ୍ ଡି ନେଇ ହେଇଯିବ ମାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼୍ଟା, ତାହେଲେ ଏଫ୍ଟା କେତେ ନା ଏଫ୍ଟା ହେଲା 100 ନ୍ୟୁଟନ୍, ଏଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଡିଟା କେତେ, ଡିଟା ହେଲା 20, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଡିଟା ହେଲା 20 ମିଟର। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ଫୋର୍ସଟା କେତେ ହେଇଗଲା, ଟୋଟାଲ୍ ଫୋର୍ସ ହେଲା 2000, ଟୋଟାଲ୍ ଫୋର୍ସ ହେଲା 2000 ଜୁଲ୍, ସରି ଟୋଟାଲ୍ ୱାର୍କ ଡନ୍ ହେଲା 2000 ଜୁଲ୍, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଇଟା କାହା ସହିତ, ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ନେଟ୍ ୱାର୍କ ଡନ୍ ବାହାରିଗଲା, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ବାହାରିବା, ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିବା ଏଇଟା ହେଲା ବାହାରିସାରିଲା, ଏଇଟା ହେଲା ବାହାରିଗଲା ବୁଝିହେଉଛି, ଏଇଟା କେତେ ନା ଏଇଟା ହେଲା 2000 ଜୁଲ୍, 2000 ଜୁଲ୍। ତାପରେ ଏବେ ପଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଏନର୍ଜି କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଏଇଟା କାଢ଼ିଦେବା ବୁଝିହେଲା, କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ତ ଏମିତି ବାହାରିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ଦେଖ, ଏଇଟା ତ ବାହାରିଲା 2000 ଜୁଲ୍, ତାହେଲେ ଆମେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ଡବ୍ଲୁ ନେଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ପ୍ଲସ୍ ପଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଏନର୍ଜି ପ୍ଲସ୍ ଆଉ କିଛି ଏନର୍ଜି ଯେଉଁଠିକି ଲଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମାନେ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଏନର୍ଜିଟା ହେଉଛି ବୁଝିହେଲା। ହେଲେ ପଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଏନର୍ଜି ଆମେ କେମିତି ପାଇବା, ଦେଖ ପଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଏନର୍ଜି କେମିତି ପାଇବା, ପଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଏନର୍ଜିର ଫର୍ମୁଲା କେତେ ନା ପଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଏନର୍ଜିର ଫର୍ମୁଲା ଏମ୍ ଜି ଏଚ୍ ମାସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଜି ଇଣ୍ଟୁ ଏଚ୍। ତ ଏଠି ଏଚ୍ଟା କେତେ, ଏଚ୍ଟା କେମିତି, ଏଚ୍ଟା ତାହେଲେ କେମିତି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା, ଦେଖ ଗୋଟେ ଏଠି ଟିକେ ଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ଏମିତି ନିଆହେଲା
ଏଠି ତୁମର ବଡି ରହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ଏମିତି ଗତି କରୁଛି, ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା 20, ସରି ଏଇଟା ହେଲା 20 ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ହାଇଟ୍ଟା ହେଲା ଏଇଟା, ଯଦି ଏଇଟା ହାଇଟ୍ ହେବ, ଏଇଟା ଥିଟା ଯଦି ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା କେତେ ହେବ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ହାଇଟ୍ଟା ହେଲା ଡି ସାଇନ୍ ଥିଟା, ହାଇଟ୍ଟା ଡି ସାଇନ୍ ଥିଟା ହେଇଯିବ। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଥିଟା ହେଲା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଥିଟା ଥିଲା, ତାହେଲେ ଡି ସାଇନ୍ ଥିଟା କହିଲେ 20 ଇଣ୍ଟୁ ସାଇନ୍ ସାଇନ୍ ଥିଟା, ଥିଟାଟା 30 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା, ତାହେଲେ ସାଇନ୍ 30 ଡିଗ୍ରୀର ଭ୍ୟାଲୁ 1/2, ତାହେଲେ 10, ହାଇଟ୍ଟା ହେଲା 10, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏମ୍ଟା କେତେ ଥିଲା, ମାସ୍ଟା ଥିଲା ତୁମର, ମାସ୍ଟା ହେଲା 5 କେଜି, ତାହେଲେ 5 × g ଆମେ 10 ନେବା, ଇଣ୍ଟୁ 10 ନେବା, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ହେଲା, ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା 500 ହେଲା ପଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଏନର୍ଜି, ପଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଏନର୍ଜି ବାହାରିଗଲା 500 ଜୁଲ୍, 500 ଜୁଲ୍ ହେଲା ତୁମର ପଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଏନର୍ଜି। ଏନର୍ଜି ଆଉ ୱାର୍କର ତୁମର ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ୍ଟା ସେମ୍, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବାହାରିଗଲା କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ବାହାରିଗଲା 500 ଜୁଲ୍। ତାପରେ ଏବେ 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 କ'ଣ କରିବା, କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ବି ବାହାରି ପାରୁଛି। ତ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ତ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବାହାରି ହେବନି, ଟୋଟାଲ୍ ୱାର୍କ ଡନ୍ରୁ ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିବା। ଏଇଠି ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଲେ, ଏଇଟା ପାଇଯାଇଛେ, ଏଇଟା ପାଇଯାଇଛେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଡିଟରମାଇନ୍ କରିଦେବା। ତ ଏଇଟା ଡିଟରମାଇନ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ବି ପାଇଯିବା, ବୁଝିହେଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଏବେ ଇ ଲସ୍ଟାକୁ ଆମେ ଡିଟରମାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା, କେତେ ଲସ୍ଟ ହେଲା, ଲସ୍ଟ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଲା, ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ତାହେଲେ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ହେଲା, FR ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଲେଖିପାରିବି ମୁଁ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା, ନା କଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ତୁମର ନର୍ମାଲ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ତାହେଲେ କଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ଏଇଟା କେତେ, 0.2, ନର୍ମାଲ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ କେତେ ଦେଇଥିଲା, ନର୍ମାଲ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ କାହା ସହିତ ସମାନ ହେଉଥିଲା, ନା ଏମ୍ ଜି ସା ଏପଟେ ଯେଉଁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟଟା, ଏପଟେ ଯେଉଁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟଟା ଥିଲା, ଏପଟେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଥିଲା, ନା ସେଇଟା ଥିଲା ଏମ୍ ଜି ତୁମର କସ୍ ଥିଟା ଥିଲା, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ, ନା ଏମ୍ ଜି କସ୍ ଥିଟା, ଏମ୍ ଜି କସ୍ ଥିଟା, ଠିକ୍ ତ, ହଁ ଏମ୍ ଜି କସ୍ ଥିଟା। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଗଲା, 2/10 ଇଣ୍ଟୁ ଏମ୍ ଜି କସ୍ ଥିଟାର ଭ୍ୟାଲୁ ମାସ୍, ମାସ୍ ଦେଇଛି 5 × 10, ଏ କଟିଗଲା, ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ ଥିଟାର ଭ୍ୟାଲୁ କସ୍ 30 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟା କସ୍ 30 ଡିଗ୍ରୀର ଭ୍ୟାଲୁ √3/2, ତାହେଲେ 2 କଟିଗଲା, ଏଇଟା ହେଲା 5√3 ହେଲା। ଇଏ କେତେ ହେଲା ତୁମର, ନା 5√3 ବାହାରିଲା, ବୁଝିହେଲା। ଏ ତୁମର 5√3 ବାହାରିଲା, 5√3 ନ୍ୟୁଟନ୍ ବାହାରିଲା, କେଉଁଟା FR, ଏଇଟା ହେଲା ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ଟା, ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ୍ ଫୋର୍ସଟା ବାହାରିଲା। ତାହେଲେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଫୋର୍ସଟା ଯେଉଁ ଆମକୁ କହିଛି, ଏଠି କ'ଣ କହିଛି, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଫୋର୍ସଟା ଆମେ କହିଲେ ନା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେଟା, ଡେଲିଭ ହେଇଗଲା ବୋଲି। ତାହେଲେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଫୋର୍ସଟା କେମିତି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା ଆମେ, ନା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଫୋର୍ସଟା ଆମେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରୁ, ସେଟା ୱାର୍କ କେତେ ଡନ୍, କେତେ ୱାର୍କ ଡନ୍ ହେଲା କାହା ଦ୍ୱାରା, ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ୍ ଫୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା କେତେ ୱାର୍କ ଡନ୍ ହେଲା, ବୁଝିହେଉଛି। ତାହେଲେ ୱାର୍କ ଡନ୍ ବାଇ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏନର୍ଜିଟା ଯେଉଁ ଲସ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଲସ୍ଟ ଏନର୍ଜି ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଲା ୱାର୍କ ଡନ୍ ବାଇ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍। ୱାର୍କ ଡନ୍ ବାଇ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, ନା ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ୍ ଫୋର୍ସ ଡଟ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଡି, ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ୍ ଫୋର୍ସ ଡଟ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଡି, ବୁଝିହେଲା। ଏଇଟା ଏମିତି ରହିବ, ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ୍ ଫୋର୍ସ ଉଲ୍ଟିଆ ରହୁଛି, ଏଇଟା ଉଲ୍ଟିଆ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ତାହେଲେ ହେଇଯିବ FRD କସ୍ 180 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ, ନା ନେଗେଟିଭ FRD। FRଟା କେତେ ବାହାରିଥିଲା, FRଟା ବାହାରିଥିଲା ତୁମର 5√3 ବାହାରିଥିଲା, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା କେତେ ଦେଇଛି, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା 20 ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ, ନା -100√3, ଏତିକି ଜୁଲ୍, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ -100√3 ଏତିକି ଜୁଲ୍ ହେଲା କ'ଣ, ଏତିକି ଜୁଲ୍ ହେଲା ଲସ୍ଟ ଏନର୍ଜି ଲସ୍ଟ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁଟା କରିଥିଲେ, ଆମେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଯେଉଁଟା କରିଥିଲେ, ନେଟୱାର୍କ ଲେଖିଦେବା ସେଇଟା, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ତ ଦେଇନି ଆମକୁ। ତାହେଲେ ନେଟୱାର୍କଟା କେତେ ଲେଖିଥିଲେ, ନା ନେଟୱାର୍କଟା ତୁମର ହେବ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ପ୍ଲସ୍ ପଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଏନର୍ଜି ପ୍ଲସ୍ ଯେତେ ଲସ୍ଟ ହେଲା, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ ଆମେ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ପାଇଯାଇଥିଲେ 2000 ଜୁଲ୍, ଏଇଟା କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜିଟା ବାକି ଥିଲା ବାହାରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ପଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଏନର୍ଜି କେତେ ବାହାରିଲେ, ପଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଏନର୍ଜି 500 ଜୁଲ୍ ବାହାରିଲେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା 500 ଲେଖି ଦିଆହେବ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ, 500 ଜୁଲ୍, ତାପରେ ଲସ୍ଟା କେତେ ବାହାରିଥିଲା, ଲସ୍ଟା ତୁମର 1000√3 ବାହାରିଥିଲା, -1000√3 ବାହାରିଥିଲା, ବୁଝିହେଲା, ଏତିକି ବାହାରିଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ପଟକୁ ପଳାଇଗଲେ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜିଟା ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ହେଇଯିବ ତୁମର 2000 -500 ପ୍ଲସ୍ 2000 -500 ପ୍ଲସ୍, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମାଇନସ୍ଟା ହେଲା, ଲସ୍ଟା ହେଲା ମାଇନସ୍, ପ୍ଲସ୍ 100 ପ୍ଲସ୍ 100√3 ପ୍ଲସ୍ 100√3, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି ଏତିକି ହେବ ତାହେଲେ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜିର ଭ୍ୟାଲୁଟା। ତାହେଲେ ଇଏ ଦେଖ କେତେ ହେଇଯିବ, ଇଏ ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ତୁମର 1500, ଇଏ ହେଇଗଲା 1500।
1500 प्लस 1500 प्लस एटा 100 इंटु रूट थ्री वैल्यू कैसे 1.732 ताले एटा आम दुईटा नहीं पॉइंट पर्यटन ना 173 नहीं ना 173 हेल्ला कैसे 1673 न्यूटन जो बाहर एटा कैसे ना काइनेटिक एनर्जी बाहर ताले एटा है तुम काइनेटिक एनर्जी कैसे बाहर 1673 जो बुझेल ये सब तुम जहाँ आमको मांगी सब आम काढ़ीदे बुझे ना ना बस ये जिनस होगा गोटे जो कहटा स्ट्रिंग प्रॉब्लम तो नहीं एटा गोटे इनक्लाइंड प्लेन प्रॉब्लम बुझे पिले एतकी तुम वर्क एनर्जी पावर चैप्टर कंप्लीट है पावर तो पावर से यूज पावर है पावर हूँ वर्क बाय टाइम पावर बुझे यटा को एमती भी आम लिख पार एफ डॉट एस भी लिख पार सहित एफ डॉट एस वाई टी टाक भी लिख पार एटा को एफ भी लिख पार ताले पावर फॉर्मूला जानी थो डब्ल्यू वाई टी भी लिखा जाए एफ भी लिखा जाए बुझे ये तुम जो सब किसी सरीगला एनर्जी वर्क पावर जितकी सब थी एगुड़ा सरीगला तापरे आमे नेक्स्ट क्लास रु डिस्कशन करवा ग्राविटेशनल फोर्स बा ग्राविटेशन आम नेक्स्ट क्लास रो एजेंडा बुझे एजेंडा ऑफ द नेक्स्ट क्लास तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।